नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल तरुण सर पर। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे PHP में वाइल लूप के बारे में। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं वाइल लूप को। सो बेसिकली वाइल क्या है? वाइल इज ऑल्सो ए लूपिंग स्टेटमेंट इन PHP। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में फोर लूप सीखा था, उसी की तरह वाइल भी एक लूपिंग स्टेटमेंट है जो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को या एक सिंगल स्टेटमेंट को रिपीट करने का, री एग्जीक्यूट करने का काम करता है। इट इज ऑल्सो यूज टू रिपीट स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू ए गिवन कंडीशन। ये भी किसी कंडीशन के आधार पर स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है। अब जो इसका सिंटेक्स है वो इस तरह से है, इनिशियलाइजेशन, देन वाइल ब्रैकेट में बूलियन एक्सप्रेशन, यानी जिसका रिजल्ट ट्रू फॉल्स आ रहा हो या नॉन जीरो जीरो आ रहा हो, देन कर्ली ब्रैकेट्स में हम स्टेटमेंट लिखते हैं ओवरऑल जो रिपीट करने, उसके साथ में आता है एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या अपडेट वाला पार्ट। इसका एक सिंटैक्स और है। इसका जो दूसरा सिंटैक्स है वो इस तरह से है, वाइल एक्सप्रेशन यानी कंडीशन या बूलियन एक्सप्रेशन, कॉलन का निशान, देन स्टेटमेंट्स, उसके बाद में एंड वाइल और सेमीकॉलन। ठीक है गाइज, ये जो है ये वीबी स्टाइल कहलाता है, और ये जो है ये वाला, ये सी एंड सी प्लस प्लस स्टाइल कहलाता है। द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। सो गाइज, जो ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है ये सबसे पहले परफॉर्म होता है, केवल एक बार परफॉर्म होता है। देन द बूलियन एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड। इनिशियलाइजेशन के बाद में ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है ये चेक होता है। इफ द बूलियन एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड टू फॉल्स, द वाइल लूप इज टर्मिनेटेड। अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आता है तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होता, डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ आ जाता है, लूप के बाहर आ जाता है। यानी लूप के अंदर जो ये स्टेटमेंट लिखे हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। हाउएवर, इफ बूलियन एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड टू ट्रू, स्टेटमेंट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप आर एग्जीक्यूटेड। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इस लूप की बॉडी के जो स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, और वापस से कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर होकर के कहाँ चला जाता है बच्चों, वो चला जाता है यहां से एग्जीक्यूशन के बाद में बूलियन एक्सप्रेशन पर। देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट अपडेट्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन विच द बूलियन एक्सप्रेशन इज बेस्ड। ओके, सो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, और उसके बाद वापस से क्या होता है, ये बूलियन एक्सप्रेशन टेस्ट होता है। अगेन द बूलियन एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड, दिस प्रोसेस गोज अंटिल द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स। और जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है तब तक स्टेटमेंट जो है, मतलब बूलियन एक्सप्रेशन का चेक होना, स्टेटमेंट रिपीट होना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होना, ये काम परफॉर्म होता रहता है। When the text expression is false, the loop terminates. जैसे ही loop की condition false होती है, control कहाँ जाता है, loop के बाहर आ जाता है बच्चों। While and for loops are top checker और entry control loop. While और for loop जो है top checker या entry control loop कहलाते हैं। Entry control loops check the condition on the top of the body of loop. So guys, टॉप चेकर का या एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब होता है जो लूप के बॉडी के टॉप पे, ये लूप की बॉडी है, इसके टॉप पे कंडीशन को चेक कर रहा है, तो ये कहलाते हैं टॉप चेकर या एंट्री कंट्रोल लूप्स। इसका मतलब डाउन चेकर लूप भी होते हैं, एग्जिट कंट्रोल भी होते हैं, बिल्कुल। ऐसे लूप्स जो कंडीशन को लूप की बॉडी के बाद चेक करेंगे, लाइक आगे जाके हम डू व्हाइल पढ़ेंगे, तो वो हमारे डाउन चेकर या एग्जिट कंट्रोल लूप कहलाते हैं। सो गाइज, एक छोटी सी PHP स्क्रिप्ट लिखनी है जिसमें हमें ऑड नंबर प्रिंट करने हैं 1 से 10 तक। सो सबलाइम टेक्स्ट मैंने स्टार्ट किया, एंड यहाँ ये यूट्यूब फोल्डर है, इस पर राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, कंट्रोल S से मैंने सेव कर दिया वाइल डेमो .php।
यहाँ पे HTML ब्लॉक बनाया मैंने, एंड वाइल्ड डेमो नाम दे दिया इसे टाइटल में. नाउ PHP का ब्लॉक बनाया इसमें मैंने. यहाँ हम लोगों ने एक आई वेरिएबल सेट कर दिया जिसकी वैल्यू कर दी 1. यहाँ हमने कंडीशन लगाई डॉलर आई लेस देन इक्वल टू. अब देखो एक से दस के बीच में, एक से दस के बीच में जो भी ऑड है केवल वो हमें प्रिंट करनी है, और एक से दस के बीच में केवल जो लास्ट ऑड वैल्यू है, सॉरी केवल नहीं, जो लास्ट ऑड वैल्यू है वो क्या होगी 9. तो हमने कहाँ तक लूप चला दिया, डॉलर आई लेस देन इक्वल टू 9 तक. इसके बाद हमने ई को लगाया, डॉलर आई को प्रिंट करा दिया, और इसके साथ में मैंने दे दिया NBSP सेमी कॉलन, M% NBSP सेम कॉलन. ये बेसिकली ब्लैंक स्पेस देने के काम आता है. फाइन गाइस. अच्छा, मैंने लूप का शुरू कहाँ से किया है बच्चों, 1 से. सेकंड जो ऑड नंबर होगा 1 के बाद वो कहाँ पे होगा, 3 पे. तो मैंने लिखा डॉलर आई बराबर डॉलर आई प्लस 2. सो एक बार ड्राई रन कर ले, आई की वैल्यू 1, कंडीशन चेक हुआ आई छोटा है बराबर है क्या 9 के, ट्रू है कंडीशन. नाउ लूप में आया, आई की वैल्यू प्रिंट हुई 1, फिर डॉलर आई बराबर डॉलर आई प्लस 2, 1 प्लस 2 हो गया 3, कंडीशन चाहे कोई ट्रू है, इस बार प्रिंट हो गया 3, देन 3 प्लस 2 हो जाएगा आई की वैल्यू 5, कंडीशन चाहे कोई ट्रू है 5 प्रिंट हुआ, देन 5 प्लस 2 हो गया 7, कंडीशन चाहे कोई 7 लेस देन इक्वल टू 9 है क्या, ट्रू है 7 प्रिंट हो गया, देन 7 प्लस 2 हो गया 9, कंडीशन चाहे कोई आई लेस देन इक्वल टू 9 है क्या, ट्रू है 9 प्रिंट हो गया. इसके बाद में 9 प्लस 2 हो गया 11. अब कंडीशन चेक कोई आई लेस देन इक्वल टू 9 है क्या, ये कंडीशन फॉल्स, सो कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा. सो गाइज आइए इसको हम रन करा लेते हैं. सो मैंने एक क्रोम खोला, यहाँ पे लोकल होस्ट, इसमें मेरा फोल्डर है यूट्यूब, एंड इसमें है डेमो वाइल डॉट PHP. अब देखो ये फाइल का नाम ठीक होगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना नॉट फाउंड की एरर आ जाती है, कई बार सर्वर्स पे भी आती है, इसका मतलब कुछ फाइल पाथ वगैरह जो है वो गड़बड़ हो गया है. वाइल्ड डेमो डॉट PHP ये नाम था फाइल का. सो दिस इज एग्जीक्यूटेड 13579. सो गाइज ये था हमारे पास PHP में वाइल लूप. कोई भी डाउट अगर आपको रह जाता है इस वाइल लूप पे तो आप कमेंट करें, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा. गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों को समझ आया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ मेरे चैनल को और इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग जो है सीख सकें. गाइज आप लोग चाहें तो PHP की पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट टैब में जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट ऑप्शन में आप PHP को चूज़ करें, तो आप सीक्वेंस में जो है स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस जो है एक्सेस कर पाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, हैव फन एंड एन्जॉय.